रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, मैं नीलेश राज भारत लाइव की इस विशेष पेशकश रातों रात में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे साथ बाबा बैठे हैं और आप सभी को ये जानकारी है कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो दिन रात आप सभी के समक्ष कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दिन रात हमारे सभी रिपोर्टर्स लगे हुए हैं। आज नरेंद्र मोदी जी का जनता कर्फ्यू था, पूरे देश भर में बंदी थी और एक एक मिनट की सारी पल पल की खबरें आप तक हमारे न्यूज़ बिहार और भारत लाइव की टीम ने पहुंचाई। लेकिन इन सब के बीच में राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही है। अगर बात करें सरकार की तैयारियों की तो विपक्ष लगातार सरकार पर हमले करने से पीछे नहीं हट रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे बाबा से। बाबा, स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। और दुख होता है जब नीलेश हम लोग इस दुखद चर्चा को करते हैं और इस चर्चा में जहाँ वैश्विक संकट हमारे सामने भी आ गया है, हम बिहार वासियों के देशवासियों के सामने आ गया। हालांकि संकट कहीं भी हो तो भारत सबसे ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ सर्वधर्म समभाव की बात होती है। आज का दिन जब प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की कि जनता कर्फ्यू होगा, जनता ने स्वतः इसको आत्मसात कर लिया। मैं कई बार इस बातों को दोहरा चुका हूँ, अब जनता ने इस बड़ी महामारी से लड़ने का भी जिम्मा अपने जिम्मे ले लिया है। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से ये पूरा कार्यक्रम हुआ, लगातार हमने अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाया और भी चैनल्स दिखा रहे हैं, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह थी कि खुद जनता अब आगे आकर के अपने आप को बचाने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन इन सब के बाद जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, उन सब महत्वपूर्ण बातों को तो हम बताएंगे ही कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन बातों के बीच में आज 22 तारीख जो बंदी का था उसे लेकर के हम चर्चा करने बैठे हैं जी। रातों रात में हम इस बात की चर्चा करने बैठे हैं कि 22 तारीख को तो बंद हो गया, वो 22 तारीख जिस तारीख को पिछले कई वर्षों से 100 साल से ज़्यादा समय से हम बिहार दिवस मनाते रहे हैं। हम खुशियां परोसते थे लोगों के सामने, खुशियां मनाते थे, हम इस बात का जश्न मनाते थे कि हम बिहारी हैं और आज हमारा बिहार अस्तित्व में आया था। लेकिन यहां तो अस्तित्व संकट में आने की बात हो गई है। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे बिहारी, बिहार के लोग क्या करेंगे? तो बिहार के लोगों ने यह दिखाया है कि हम शंख बजा सकते हैं, हम एक दूसरे को बधाई दे सकते हैं, हम थाली बजा सकते हैं। चैत का महीना चल रहा है, जैसा कि कल शाम को 5 बजे किया गया। बिल्कुल, चैत्र महीना चल रहा है और चैत्र के महीना में हम उत्सव मनाते थे राम जन्म का। इसके अलावा और भी उत्सव मनाते थे, हम नववर्ष का उत्सव मनाते थे, हिंदू नववर्ष कैलेंडर हमारा बनता था। इन सब बातों को लेकर के हम जश्न मनाते थे इस चैत्र माह में। होली के बाद हम खुशियों को लेकर के अपने घर आते थे, नई फसलें आती थी, लेकिन वो सब बर्बाद हो गया। लोग घरों में कैद हो जाएंगे, स्थिति कब तक रहेगी ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच सरकार की पोल खुल गई है। अब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो व्यक्ति कोरोना से मरा उसकी जानकारी जब 3 दिन पहले हो गई थी, तो फिर नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार के प्रशासन, पूरा महकमा, स्वास्थ्य विभाग केंद्र से लेकर के राज्य तक जो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे है, चुप क्यों रही? क्यों लोगों को डायलेमा में रखा गया, लोगों को अंधकार में रखा गया? और जब ये हो गया सब कुछ, तेजस्वी यादव ने पहले भी कहा था, हम तेजस्वी यादव के या किसी के पैरोकार नहीं हैं, लेकिन हम बिहार के पैरोकार हैं, बिहार के लोगों के पैरोकार हैं जी। और ये हमें दुख देता है। हमारा काम है खबरों को करना, लेकिन हम मानव हैं, हमारा एक ह्यूमन नेचर है कि हम मानवता को यदि तिल तिल करते हुए मरते देखें तो आप समझ लीजिए कि हमारा भी कहीं ना कहीं छलनी होता है सीना, क्योंकि हम ह्यूमन हैं जी। सबसे बड़ी बात है नीलेश कि इस खबर को करने से पहले बहुत अपने आप को तैयार करना पड़ा। हमने जश्न मनाने का भी प्रयास किया, हमने बुलाने का भी प्रयास किया। कल आपने देखा होगा कि किस तरह से, आप खुद उस कार्यक्रम में थे, चूंकि सारे लोग तो हमारे अलग अलग जगह थे, आप मेरे साथ उस कार्यक्रम में थे। आपने देखा कि हम लोग किस तरह से अपने मोहल्ला, अपने कॉलोनी के लोगों के साथ
कोरोना को हराने के लिए चर्चाएं हो रही थी, लोग महिलाएं खास करके बच्चों पर और वरिष्ठ लोग जो बुजुर्ग लोग थे उन लोगों के चेहरे पर आप देख रहे हैं कि दिन भर किस तरह से वो डरे सामने थे लोग। बाबा इससे एक और बात साबित होती है कि हमारे जितने भी देशवासी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत बड़े समर्थक हैं, उनकी बातों को माना उन्होंने, और एक तरह से कहा जाए तो कोरोना का डर भी कहेंगे इसको, और कोरोना वायरस जैसे घातक बीमारी को भगाने की एक हिम्मत एक ताकत दिखाई है सारे भारत के युवाओं ने, सभी लोगों ने एक साथ एकजुट होकर शाम को 5 बजे कल जिस तरह का एक ऐतिहासिक सीन क्रिएट हो गया आपको पता होगा, तो इस पर भी हम बात करेंगे बाबा। बिल्कुल नीलेश, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ही सराहनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से इन सब बातों को पहल किया और सिंपल ढंग से अपनी बातों को रखा। हालांकि उनके जगह पर कोई भी रहता तो उनकी बात मानना था, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद हमारे देश में एक बड़ा पद है, उन्हीं के द्वारा शासन प्रशासन संचालित होता है, तो जो भी निर्णय उस पद पर उस कुर्सी पर बैठा व्यक्ति करेगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो, जी उनका सम्मान करना हमारे देश की जनता जानती है। हमारे देश की जनता ये भी जानती है संस्कार कैसे करते हैं, समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, और जब स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हो प्रतिकूल हो तो लोग कैसे एक दूसरे का साथ देते हैं। हमने चेन बनाकर भी देखा है, हमने ह्यूमन चेन बनाया, इसी बिहार में कई रिकॉर्ड हमने बनाए ह्यूमन चेन बना करके, और हम ये भी कह रहे हैं कि हम दूरी बना करके भी हमने आज एक रिकॉर्ड बनाया है कि 1 फीट से 2 फीट की दूरी बना करके एक दूसरे से हाथ को सैनिटाइज करके अपने, आप जैसा कि मास्क लगा के बैठे हो, मैं गमछी लेकर के बैठा हूं, जी बिल्कुल, दिन भर हम ऐसे करके रहते हैं, दैट मींस कि हम कहीं ना कहीं कोरोना को हराने की तैयारी में लग चुके हैं जी। लेकिन इन सब के बीच जो मुख्य बात है वो ये है कि सरकार को अपनी जनता के बीच में कुछ बातें तो स्पष्ट करनी हो, कुछ बातें जरूरी है कि पर्दे के पीछे ही रहे, चूंकि स्थिति पैनिक ना हो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते, लेकिन किसी की मृत्यु हो जाए कोरोना से वो आप कितने दिनों तक छुपा कर रखेंगे। आप देख रहे हैं कि ये वैश्विक महामारी के रूप में आ गया है जी। बिहार में गाड़ी भर भर के, ट्रेन में भर भर के लोग आ रहे हैं, ये बातें एक दिन पहले भी हो सकती थी, जब आपको जैसे जानकारी मिली कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो कोरोना को साथ लेकर के आ रहे हैं, संक्रमण साथ लेकर के आ रहे हैं, तो आप पहले भी इसको कर सकते थे, आप समझा सकते थे उन लोगों को भाई आप जहां हो बिहार सरकार आपको वहीं पर मदद देगी। कई राज्यों को आपने देखा होगा, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से विधानमंडल की कार्रवाई बंद होते समय जो बातें कही थी वो बड़ा ही एक फौलादी कहा जाए जिसको, एक बहुत ही अनुशासित और बहुत मजबूत कदम था। उन्होंने बहुत मजबूती से कहा था कि हम कोरोना को हराएंगे और मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उस समय उनकी बातें बहुत अच्छी लगी थी कि लगता है कि सरकार हमारी, बिहार सरकार पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जिस तरह से सरकार पर लगातार फेलुअर की बातें आ रही हैं, जिस तरह से तथ्यों को छुपाने की बात आ रही हैं, वो बातें निश्चित रूप से चिंताजनक है। कई राज्यों ने, जैसा कि पहले भी हमने खबरों में दिखाया था कि कई राज्यों ने अपने दैनिक कर्म लोगों को, जो रोज कमाते रोज खाने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए कुछ व्यवस्थाएं भी कर दी हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने एक मांग रखा है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आप उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं जो हैंड टू माउथ है, जो नहीं कमाएंगे तो उनका परिवार नहीं चलेगा, एक तरफ वो अपने घरों में कैद हो जाएंगे, दूसरे तरफ एक दूसरी बीमारी हो जाएगी, एक तो कोरोना का डर और दूसरा अगर उन लोगों तक उनकी मूलभूत जरूरी चीज़ें अगर नहीं पहुँचती हैं तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक और समस्या राज्य के सामने आ जाएगी, उससे कैसे निपटेंगे हम। हालांकि जैसा कि हमने खबरों में दिखाया था, आपको याद होगा कि कल भी हमने खुटा ठोक में सबसे पहले दिखाया था, सुबह में भी हमने बताया था कि लॉकडाउन की स्थिति है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जितना जल्दी इस बात को समझ जाएं उतना ही बिहार के हित में होगा, बिहार के लोगों के हित में होगा और राष्ट्र हित में भी होगा। आखिरकार शाम के 5 बजे के बाद ये फैसला भी आ गया। कल खुटा ठोक में भी हमने यही बातें रखी थी। बिल्कुल, अब हमारे पास बहुत सारे तथ्य हैं, हमारे पास चर्चा करने के लिए समय ही समय है। पूरे बिहार और हिंदुस्तान के लोग जो लॉकडाउन हो जाएंगे अपने घरों में तो उनके पास सिर्फ वक्त है और कुछ नहीं है। बाबा जब ये लॉकडाउन कर दिया गया नीतीश सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से, ये चीजें अगर पहले हमारी सरकार अवेयर रहती, पहले से उन्हें पता भी था, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी का भाषण चल रहा था जी, उस वक्त भी हमारी सरकार अवेयर थी जी, वो उस वक्त भी हमारे बिहार के जनता को उस टाइम अच्छे से अवेयर करवा सकती थी जी।
लेकिन आज जो 22 तारीख तक का नीतीश जी ने इंतजार किया, जनता कर्फ्यू हुआ और फिर शाम तक उन्होंने घोषणा कर दी कि अब शाम तक रह लिए तो आप 31 तारीख तक घरों में बंद रहिए, आप रह सकते हैं आप सक्षम है रहने में। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की बड़ी लापरवाही तो देखी जा सकती है बाबा, और इसी पर हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। बिल्कुल नीलेश, दो तीन बातें मैं स्पष्ट कर दूं। जब प्रधानमंत्री जी ने आज से 3 दिन पहले देश के सामने एक अपील किया, हम उस समय भी बैठक में थे, मीटिंग कर रहे थे, समाज के कई लोगों के साथ हमारी बैठकें चल रही थी और इस पर ही हम चर्चा कर रहे थे, इसमें बहुत सारे पत्रकार भी थे। हम चर्चा इसी बात पर कर रहे थे कि हमारा रोल क्या होगा, हम कैसे लोगों को पैनिक नहीं होने दें और अपने खबरों के माध्यम से, हमारा चूंकि एक दायित्व भी बनता है समाज के प्रति, उस दायित्व के निर्वहन के लिए हम बहुत सारे पत्रकार एक साथ बैठे हुए थे और हम चर्चाएं कर रहे थे कि हमें आगे क्या करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे युवा पत्रकार हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारी बातों में वो हमसे राय मशवरा करते हैं। उस राय मशवरा में उन लोगों के साथ हमारी जो बातें हो रही थी उसमें हम यही कह रहे थे कि स्थिति बहुत ही भयावह है, चाहे सरकार जितना भी इसके लिए कुछ कर ले, प्रधानमंत्री की पहल बहुत अच्छी थी, उन्होंने एक संदेश दिया और उस संदेश से वो ये देखना चाहते थे कि हमारा देश कितना तैयार है, देश के लोग कितने तैयार हैं, और अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम इसको 80% से 80% तक इस बीमारी से को दूर भगा सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी का जो लक्षण है अब तक जो डॉक्टरों ने बताया है या जो वैज्ञानिकों ने बताया है वो ये है कि ये एक दूसरे को टच करने से, कॉन्टैक्ट मैनिफाइड है, और खांसने छींकने से जो वाइब आती है, जो वायरस आते हैं उससे होती है। अब उसमें भी आप अगर किसी के कांटेक्ट में नहीं आते हैं तो आप बिल्कुल सुरक्षित, आपको जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। सामान्य खांसी और सर्दी अगर आपको है तो इसका मतलब कोरोना नहीं है, कोरोना के कई सारे लक्षण हैं, जो लक्षण आप में दिखेंगे आप खुद महसूस करेंगे कि सर्दी खांसी से कुछ अलग है। तो इन सब बातों की तो बात हम कर ही रहे हैं, अब सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि समस्या बड़ी है। तेजस्वी यादव ने जो मांग रखा है सरकार के सामने वो ये रखा है कि डेली जो कमाने वाले लोग हैं उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, एपीएल बीपीएल और अन्य सेक्टर में जो लोग आते हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो स्कूली बच्चे मिड डे मील की व्यवस्था होती थी उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की। उन्होंने रखा है कि सब लोगों तक सरकार अनाज पहुँचवावे और 6,000 रुपया उन लोगों को भत्ता दे, जब तक कि लॉकडाउन रहता है वो कमाने के लायक नहीं रहते तो महीने में भत्ता दे। कई सरकारों ने इस तरह का प्रावधान किया है, यूपी में भी शायद 1,000 रुपये का प्रावधान किया गया है, पंजाब में 3,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। इन सब बातों को लेकर के सरकार ने अपने तरफ से व्यवस्थाएं तो की हैं, दुकानें खुली रहेंगी किराना की, आपको जरूरी है तो आप किराना के सामान खरीद सकते हैं, दवाएँ आप खरीद सकते हैं, दूध आप खरीद सकते हैं, सब्जियां फल भी खरीद सकते हैं। जो आपकी मूलभूत की आवश्यकता है वो खरीदने के लिए आप मार्केट में जा सकते हैं, मार्केट में लिमिटेड जो जरूरी मूलभूत सुविधा है, मूल आवश्यकता की चीजें हैं वो खुली रहेंगी, लेकिन बाकी का मार्केट आपको बंद नजर आएगा। लेकिन उस खरीदारी के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए और इन्हीं बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने सरकार से एक आग्रह किया है कि वो इसके लिए खुद पहल करके ऐसे लोगों को जीवन बचाए। अब इन सब बातों को लेकर के राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस कोरोना ने जहां एक तरफ राजनीतिक रणनीति पर विराम लगा दिया है, वहीं राजनीति कभी भी किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं हो सकती है, ये भी कहा जा सकता है। अब स्थिति यह है कि आपने देखा होगा कि पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी ने जनता कर्फ्यू को सहर्ष स्वीकार किया है। आपने देखा होगा कि कोई शंख बजा करके, तेज प्रताप यादव शंख बजा रहे थे, काफी ऐतिहासिक समर्थन रहा बाबा। बिल्कुल, मृत्युंजय तिवारी ने अपने छत पर ताली बजा करके, वहीं अगर देखा जाए तो पक्ष के लोग भी लगातार, जिसकी भी आप चर्चा कर लें, माधव आनंद की चर्चा कर लें विपक्ष में बैठे हुए लोगों की, या कांग्रेस के मदन मोहन झा की बात कर लें, या फिर आप प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कर लें, उन्होंने भी लोगों को अवेयर कराने के लिए सैनिटाइज कैसे करते हैं, अपने हाथों को कैसे धोते हैं, वो सब करके दिखलाया है। इतना ही नहीं, खुद स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी हाथ धोकर के दिखाया, हालांकि उनकी कई बातें लोगों ने कंट्रोवर्सी के रूप में भी लिया है, जैसा उन्होंने कहा कि धूप में आप बैठने से आपको कोरोना नहीं होगा, बैठ जाएंगे तो आप उससे वंचित हो जाएंगे। खैर, इन सब बातों का तो चलते ही रहता है, लेकिन
सब बातों में ये बहुत ही जरूरी पहलू है जिसे तेजस्वी यादव ने उठाया है कि उन लोगों का क्या होगा अगर ये लंबा चल जाता है। तो रोज कमाने वाले 300 या 400 मजदूरी कमाने वाले लोग अपने घर परिवार को कैसे चलाएंगे, ये एक समस्या निश्चित रूप से है। और सरकार को ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करके उनके खाने पीने की व्यवस्था भी करनी चाहिए, ये उनका मांग है और ये बिल्कुल जायज मांग इसको कहा जा सकता है। खैर, इन सब बातों को लेकर के रातों रात में हमने वही बातें रखी हैं जो बातें सबसे ज़्यादा आपके सरोकार की है। और आपसे आग्रह हम करते हैं, निहोरा करते हैं, निवेदन करते हैं, बार बार हम आग्रह कर रहे हैं, कई बार आपसे प्रणाम करके बता रहे हैं कि आप अपने आप को अपने घरों में रखें, कोशिश करें कि एक दूसरे से दूरी बना करके रखें, नए लोगों को आगंतुकों को कुछ समय के लिए हाथ जोड़ के प्रणाम करें, हाथ मिलाना बंद करके प्रणाम करने की जो हमारी सनातन प्रवृत्ति रही है, हमारे सनातन ने सिखाया है उसका आप अनुसरण करें। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि हमारे साधु संतों ने ऐसे करके अपने मुंह ढकने का एक प्रावधान पहले से दिया है, आप उसका प्रयोग करें, शायद हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों को आने वाले दशकों में हमें देखना पड़े कि हमें इसी सहारे जीना पड़े तो कोई बड़ी बात अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, हम अपने सभ्यता संस्कृति और जो हमारे पूर्वजों ने दिया है उसका विनाश कर रहे हैं, उसके साथ हम दोहन कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रकृति का आपदा का झेलने का भी हम ही लोगों को है। पांच जल संकट हो ही रहा है, अब आप देख ही रहे हैं कि इस तरह के वायरस संकट भी हो रहे हैं, कई तरह के प्राकृतिक आपदाएँ शुरू हो गई हैं। अब इन सब से निपटने के लिए आपके पास जो रास्ता है वो ये है कि अभी तो तत्काल कोरोना से निपटिए, उसके बाद आपको प्रकृति से भी निपटने का समय आएगा, उसके लिए भी आप अपनी तैयारियां कर लें, क्योंकि अगर आप सचेत नहीं होंगे तो चिंता आपकी बढ़ती चली जाएगी। बस रातों रात में नीलेश, हम फिर एक बार आग्रह करते हैं कि आप अपने आप को जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएं तब तक अपने घरों में कैद रखें। तो तेजस्वी यादव जी की जो मांग है नीतीश कुमार जी से और बिहार सरकार से आपने जान लिया, बाबा से भी आपने काफ़ी सारी बातें जानी और किस तरह से आप कोरोना वायरस से अपने आप को सेफ रख सकते हैं ये भी बाबा ने आज आपको बताया और आपको अच्छा लगा होगा। अब इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपकी क्या मांग है नीतीश सरकार से, बिहार सरकार से, और आपकी क्या मांग है भारत लाइव से, भारत लाइव की टीम से, मुझसे, बाबा से, क्या सरोकार रखते हैं आप, नीचे कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। आपके पास 24 घंटे का समय और अपने घरों में आप कैद हैं, आपके पास आपका फोन अवेलेबल है, इंटरनेट आपके पास है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और रात रात आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भारत लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी सच्ची और अच्छी खबरें आपको सबसे पहले आपके फोन पर मिलती रहे। धन्यवाद। राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे को घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई।